गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सिंह एंड टुडे वी आल्सो रीड अबाउट चैप्टर सेकेंड इंग्लिश ग्रामर, वन एंड मैनी, एक या एक से अधिक। तो जैसा पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एक नाउन क्या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो अगर कुछ नाउन्स में अगर सिंगुलर होते हैं तो उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या एस ए आई एस ऐड कर देते हैं, जैसे डॉग डॉग्स, फ्लावर फ्लावर्स, ट्री ट्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बी बीज, फ्रॉग फ्रॉग्स, डक डक्स, चिक चिक्स, बाल बाल्स, एप्पल एप्पल्स, डेस्ट डेस्ट, बेड बेड्स। ओके, और कुछ नाउन्स में क्या करते हैं ई एस ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एस ऐड किया है वैसे क्या सिंगुलर के साथ ई एस ऐड कर देते, जैसे बेंच बेंस, पोटैटो पोटैटोज, बॉक्स बॉक्सेज, ड्रेस ड्रेसेज। ओके, यहाँ एक्सरसाइज में देखिए ब्रश ब्रसेज, चर्च चर्चेज, ग्लास ग्लासेज, बस बसेज, टोमेटो टोमेटोज, डिश डिशेज। ओके स्टूडेंट्स, और कहीं कहीं सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करते समय क्या करते हैं हम वी ई एस ऐड करते हैं, वी ऐड वी ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन एफ आर एफ ई टू मेक देम प्लूरल। रिमेंबर एफ आर एफ ई इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लूरल। वी ऐड वी ई एस टू सम नाउन्स, हम क्या करते हैं वी ई एस कुछ संज्ञा में क्या करते हैं जोड़ते हैं, दैट इन जिनका सिंगुलर एफ या एफ ई पे खत्म होता है, यानी जिस सिंगुलर नाउन्स का के लास्ट में एफ या एफ ई होता है उसके साथ हम क्या करते हैं उसका प्लूरल चेंज करते समय हम क्या एफ या एफ ई को छोड़ के उसमें क्या ऐड करते हैं वी ई एस ऐड करते हैं, मतलब जिन नाउन्स सिंगुलर नाउन्स की स्टार्टिंग सॉरी एंड पॉइंट क्या उसके लास्ट में एफ या एफ ई होगा उसके साथ हम क्या करेंगे एफ और एफ ई को हटा के क्या करेंगे उसमें वी ई एस ऐड करेंगे, जैसे नाइफ नाइफ, लीव लिव्स। ओके, यहाँ पे क्या किया गया एफ हटा के वी ई एस, यहाँ पे क्या किया गया एफ ई हटा के वी ई एस। ओके, दोनों कंडीशन में एफ या एफ ई को हटा के क्या किया गया है वी ई एस। यहाँ पे देखिए थीप एफ को हटा के वी ई एस, कॉल वी ई एस, लोग लिव्स लोग, उल्फ उल्फ्स, वाइफ वाइफ्स, इल्व इल्व्स। ओके, यहाँ पे देखिए क्या एफ या एफ ई को हटा क्या किया गया वी ई एस ऐड किया गया, और कुछ कंडीशन में हम क्या करते हैं सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। यहाँ यहाँ देखिए वेन वे वर्ड इन्स इन वाई वी यूजुअली ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस टू मेक इट्स प्लूरल। जब किसी वर्ड का अंत किससे होता है वाई से होता है तो हम क्या करते हैं ड्राइव वाई को हटा के क्या करते हैं उसकी जगह पे आई ई एस ऐड कर देते हैं, यानी जब किसी सिंगुलर नाउन्स का लास्ट क्या वाई होता है तो उसको प्लूरल में चेंज करते समय वाई को हटा के हम क्या उसकी जगह क्या कर देते हैं आई ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे फेरी फेरीज, पपी पपीज। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है वाई को हटा दिया गया है और क्या आई ई एस, और यहाँ पे वाई को हटा के आई ई एस। देखिए एक्सरसाइज में लेडी लेडीज, वाई वाई को हटा के आई ई एस ऐड हो गया है, बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज, चेरी चेरीज, सिटी सिटीज, आर्मी, मतलब क्या वाई को हटा के आई ई एस। तो स्टूडेंट्स क्या कंडीशन तीन चार अभी जैसे आप लोग समझ जाइए कि कहीं कहीं क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते समय क्या करते प्लूरल में एस ऐड कर देते हैं, और सेकंड कंडीशन में कहीं कहीं हम क्या करते हैं सिंगुलर में ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, और थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं वाई को हटा के क्या कर देते हैं आई ई एस, वाई की जगह आई ई एस लगा के क्या प्लूरल बनाते हैं, और फोर्थ कंडीशन में क्या करते हैं कि एफ या एफ ई को हटा के क्या उसकी जगह क्या कर देते हैं वी ई एस। तो आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।